हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल थिंक कोड। एंड टुडे आई विल टीच यू व्हाट दिस कंपैरेटिव फंक्शन इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे कि ये कंपैरेटिव फंक्शन कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे मान लो तुम्हें ये एरे दे रखा है, तुम्हें इसको सॉर्ट करना है ना। तो अगर इसके बिना सॉर्ट करोगे, अगर सिर्फ ये करोगे, तो ये क्या रिटर्न करके देगा, ये एरे को तुम्हारे ये कर देगा। जैसे ये बी वैक्टर है तुम्हारा, है ना। अगर तुम ऐसे लिखोगे तो अब बी जो होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब बी हो जाएगा। और मान लो तुम्हें इसको रिवर्स आउट करना था, है ना। तो तुम क्या कर सकते हो, या तो ये कर सकते हो, ठीक है। इसको रटना पड़ता है कि यार ये ग्रेटर इंटी लगाया, ऐसे ऐसे कर दिया, और यहाँ पे दो करली ब्रेसेस, ये दो ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, अब मान लो तुम्हें ऐसे नहीं करके किसी और तरीके से करना है, ठीक है, रिवर्स सॉर्ट करना है, है ना, इसी चीज को। तो तुम क्या करोगे, तुमने ये कंपैरेटिव फंक्शन बना दिया एक, कि मैं अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो उसमें क्या करेगा ये, उसमें ये बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर, ये बी वेक्टर को सॉर्ट करना है तुम्हें। तो ये कंपैरेटिव फंक्शन में क्या होता है, दो वैल्यू लेता है ये। जैसे मान लो इसने 4 और 1 लिया, दो वैल्यू लेता है 4 और 1। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव फंक्शन ये बताएगा कि मैं 4 और 1 को कैसे प्लेस करना है। अब मान लो मेरे पास दो एलिमेंट आ गए 4 और 1, तो 4 और 1 को जो तुम्हारा जो सॉर्टेड एरे है उसमें कैसे प्लेस करना है। तो तुम यहाँ पे वो चीज़ बताओ कि कैसे प्लेस करना है। अगर तुमने यहाँ पे 4 और 1 पास करा, और 4 यहाँ पे 4 और 1 पास हो गया, ठीक है, तो 4 इज़ लेस देन, अगर 4 इज़ ग्रेटर देन 1, 4 इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये क्या पॉजिटिव रिटर्न करके देगा। पॉजिटिव मतलब 4 और 1 को ऐसे ही रखो, ठीक है। और अगर इसको हम ऐसे कर दें कि 4 इज़ लेस देन 1, 4 इज़ लेस देन 1, तो ये क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स। तो ये हो जाएगा 1 और 4 प्लेस, ठीक है। तो अभी हमको रिवर्स सॉर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे ऐसे। तो अगर 4 और 1 पास होगा तो ऐसे प्लेस हो जाएगा ये, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि यार ये 4 और 1 क्यों, मैं 1 और 4 पास करता हूँ, है ना, 1 और 4 पास हुआ हो शायद। ये तो कैसे भी रैंडमली पास हो सकते हैं ना, कोई भी दो एलिमेंट पकड़ के रैंडमली पास हो सकते हैं कंपैरेटिव फंक्शन में। तो 1 और 4 पास होगा तो क्या होगा, 1 इज़ लेस देन 4, है ना। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, वापस से 4 और 1 में ही प्लेस होगा, ठीक है। अगर 4 और 1 को पास करोगे तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ये 4 और 1 में ही प्लेस होगा। और अगर 1 और 4 को पास होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, और ये उल्टा प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये करता है कंपैरेटिव फंक्शन, कि दो एलिमेंट को कैसे कंपेयर करना है वो तुम बता रहे हो, ठीक है। दो एलिमेंट को बी वेक्टर में कैसे कंपेयर करना है वो तुम बता रहे हो इसमें, ठीक है। तो तुमने बताया कि B1 बड़ा है, तो ये ऐसे प्लेस हो जाएगा, ठीक है, है ना। अब मान लो कि तुम्हारा B वेक्टर में एक और है, है ना। अब तुम क्या चाहते हो कि वेक्टर और वेक्टर है, B क्या है, वेक्टर और वेक्टर है, वेक्टर है, और उसका भी वेक्टर है, मतलब ऐसा टाइप का है B अब, है ना। तो यहाँ पे क्या पास होगा, अब दो वेक्टर कंपेयर होंगे, तो यहाँ पे क्या पास होगा, वेक्टर पास होगा। यहाँ पे पहले पहले दो इंट कंपेयर हो रहे थे, अब यहाँ पे दो वेक्टर कंपेयर होंगे, तो यहाँ पे इंट कर, यहाँ पे वेक्टर कर देंगे हम, ठीक है। अब वो बताएगा कि भाई दो वेक्टर में से दो वेक्टर तुमने उठा लिए, तो उन दोनों को कैसे कंपेयर करना है, ये तुम बताओगे इस कंपेयर फंक्शन में। तो मान लो तुम क्या चाहते हो, इस सेकेंड वैल्यू के अकॉर्डिंग रिवर्स में सॉर्ट करना चाहते हो, है ना। तो तुम यहाँ क्या बता दोगे कि भाई B1 of 1, मतलब जो वेक्टर है जिसमें दो एलिमेंट है, उसमें जो सेकंड एलिमेंट है ये तो हो गया B1 of 0, और ये हो गया B1 of 1, और B2 of 1, B2 मतलब कोई और उसका 1, है ना, ठीक है। तो 0 और 2 कंपेयर होंगे इसमें, ठीक है। और फिर 0 और 1, 0 और 2 पास हुए जैसे, तो क्या 0 बड़ा है, नहीं है बड़ा, तो क्या होगा,
ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, तो ये हो जाएगा ऐसे स्टोर, ठीक है। तो ये वापस से क्या होगा, अगर इस वेक्टर को हम इसकी सेकंड डिजिट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग सेकंड एलिमेंट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे, रिवर्स सॉर्ट करना चाहेंगे, तो हम इसको ऐसे कर देंगे। तो ये क्या रिटर्न करके देगा, यहाँ पे सबसे बड़ा ये है, तो ये आ जाएगा 3, 3, सबसे बड़ा सॉरी ये है 1, 4, 3, 3, ठीक है, फिर 2, 2, फिर 3, 1, फिर 4, 0। तो ये होता है कंपेरेटिव फंक्शन यूज़ करना, और यहाँ पे स्टैटिक लगाना पड़ता है वो, ठीक है, वो इसकी वजह से लगाना पड़ रहा है क्योंकि क्लास हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है कंपेरेटिव फंक्शन, है ना। होप यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक्स अ लॉट।